जन्मदिन है। ताली बजा दो एक बार। अभी देखो बादल गरज रहा है ना, और उसके बाद क्या होगा, बादल गरजने के बाद क्या होता है, आ बारिश के बाद क्या होता है, ठनका गिरता है ना, वज्रपात होता है ना। तो आज तुम लोगों को बताएंगे वज्रपात से कैसे बचा जाएगा, क्या बताएंगे। हाँ तो सबसे पहले एक बार तीन सेट में ताली बजा दो सब लोग, एक बार और बजाइए, बताएं। हाँ देखो वज्रपात में सबसे पहले तो बाहर नहीं जाना है, कहाँ नहीं जाना है, अच्छा बाहर रहोगे तो किसी पेड़ के नीचे जो है छुप के नहीं रहना है, पेड़ रहे ना गाछ, तो गाछ के नीचे नहीं रहेंगे। अच्छा अगर कहीं बाहर फंस जाएंगे अब वज्रपात होगा यानी कि खूब जो है बिजली कड़केगा तो हम लोग क्या करेंगे पता है। आइए सर जरा यह हम बताते हैं लोगों को, आइए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कान बंद कर लेंगे, क्या करना है वज्रपात में। अच्छा अगर किसी को अगर पता चलेगा कि कहीं किसी को जो है वज्रपात के कारण जो है बिजली गिरने से ठनका गिरने से उसको क्या कहते हैं कुछ उसके चपेट में आ गया तो क्या करेंगे पता है तुम लोगों को, क्या करेंगे सबसे पहले जो है जो लोकल डॉक्टर अगर कहीं होगा तो उसके पास ले जाएंगे, आ डॉक्टर अगर नहीं है कहीं पता है कि डॉक्टर नहीं है तो सबसे पहले उसके शरीर को क्या करना है सहला देना है, सहलाना समझते हो ना, घर में दूध अगर हो तो दूध पिलाएंगे उसको, हल्दी दूध में हल्का हल्दी डाल देंगे अब वो उसको पिलाना है और तुरंत उसको डॉक्टर के पास क्या करना है लेके जाना है। अच्छा उसके बाद जो है और क्या क्या करेंगे कैसे बचेंगे, अगर घर में रहेंगे अब बहुत ज़्यादा बिजली कड़केगा तो कहाँ आ जाएंगे घर में, अगर छत का घर है तो ठीक है, फूस का घर होगा या फिर तुमको चदरा का घर होगा तो छज्जी के सामने आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे छज्जी के सामने। और भूकंप के बारे में बताए थे ना तुम लोगों को, तो भूकंप में बचने के लिए क्या क्या करते हैं बताओ तो, आ घर में अगर रहेंगे तो क्या करेंगे, घर में जो है कोने में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे घर के कोने में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, अच्छा अगर टेबल होगा तो कहाँ चले जाएंगे टेबल के नीचे चले जाएंगे, और चौकी होगा तो कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, हाँ भूकंप आने पे चौकी के नीचे चले जाएंगे, टेबल के नीचे चले जाएंगे या घर के कोने में चले जाएंगे, चले जाएंगे ना। चलो तो समझ गए क्या वो चीज समझे, वज्रपात से बचने का कैसे बचना है ये समझे, और भूकंप आएगा तो उससे बचने का समझे, और आज जो सब बताना था तुम लोगों को ये कौन सा महीना चल रहा है, मई चल रहा है, गर्मी का महीना है ना, तो मई का महीना चल रहा है, इस समय क्या होता है आग लगी होता है घर में, आग लग जाता है ना या आग लगने का डर रहता है ना, तो आग को कौन कौन चीज से बुझाते हैं बताओ, ताली बजा दो, कौन चीज से बुझाते हैं,
अच्छा दूसरा और दूसरा कौन चीज से बुझाते हैं? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन चीज से? वेरी गुड, फिर ताली बजा दो। बालू से या मिट्टी से, है ना? और तीसरा और कौन चीज से बुझाते हैं बोलो? ये देखो क्या बोल रही है, गुड, ताली बजा दो। कपड़ा होगा ना, या फलिया होगा, या बड़ा चादर होगा, उसको ओढ़ा देने से क्या होता है? आग बुझ जाता है। सिलेंडर में आग जो लग जाएगा गैस सिलेंडर में, तो कौन चीज से बुझाओगे? हाँ कौन चीज से बुझाएंगे? और दूसरा कौन चीज से बुझाएंगे? नहीं, उसको पानी अगर डालोगे तो आग और बढ़ जाएगा। तो दो चीज से बुझाएंगे, या तो कपड़ा से, और दूसरा किस चीज से? दूसरा किस चीज से बुझाएंगे? मिट्टी से। तो घर में क्या क्या होना चाहिए? एक तो कपड़ा हो, दूसरा बालू का मिट्टी हो, बालू वाला मिट्टी वो रहना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ भोज होता है वहाँ क्या क्या रखना चाहिए? ड्राम में, दो तीन ड्राम में पानी रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? और टेंट में बिजली का तार जो है वो नहीं जाना चाहिए। टेंट के नीचे बिजली का तार जाना चाहिए? इधर ध्यान दो, तो उससे बचना है। और खाना जो है 9 बजे से पहले बना लेना है। कब बना लेना है? हाँ, या फिर शाम में। अच्छा खाना बनाने के बाद चूल्हा में आग रहेगा तो क्या करेंगे उसको? क्या करेंगे? क्या करना है, क्या करेंगे? चलो ताली बजा दो। तीन सेट में, क्या सेट में? तीन सेट में। हाँ और कैसे कैसे आग लगी से बचाएंगे, और कोई बताओगे? अच्छा ये जो आप लोगों को बता रहे हैं, तो आप घर में जाके मम्मी को, पापा को, और जो भी लोग मिले समाज में, सबको बताना है। बताओगे? बताएंगे ना सब लोग? चलिए ताली बजाइए तीन सेट में। एक बार करके दिखाइए। हम लोग क्या करेंगे, के पास सीधा पहले बैठ जाएंगे। बैठने के बाद परीक्षण करेंगे कि ठीक ना हो जाए। और ज्यादातर उम्मीद होती है कि यह CPR देने से हृदय घाव से मनुष्य 90% हो जाए।